रिलेटेड, और आज और उसके साथ ही अपन जो ये अपनी लाइव क्लासेस के साथ अपन जो वीडियोस लेके आते हैं कि आप किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करें, किस तरह से जो आप अपने टारगेट को अचीव करें, ये सब क्लासेस भी आपको मोटिवेशनल स्पीच के साथ जो हम लेके आते हैं, ताकि आप जो है अपने आप पर जो ट्रस्ट कर सकें और अपनी टारगेट में टारगेट को पाने के लिए लगे रहें। तो आज जो है आपका अपना टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार सीटेट का रिजल्ट बहुत ही बेकार आया है, 17 और 15% जो रिजल्ट रहा है। तो उसके पीछे के क्या रीजंस है कि कैंडिडेट्स उसको पास नहीं कर पाते हैं, तो ये इसमें आज अपन इसको पूरा जो है अपन बात करेंगे कि किस तरह से आप इसकी तैयारी करें, ताकि आपका एक जो मतलब कि एक अटेम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ज़्यादा मार्क्स से नहीं रहते हैं स्टूडेंट्स, मेरे मैंने जो रिजल्ट की जो पोस्ट डाली थी उसमें था कि किसी के जैसे जनरल वालों के 90 में से 89 मार्क्स आ रहे हैं, 87 मार्क्स आ रहे हैं, तो 1-2 नंबर का डिफरेंस क्यों रह जाता है ये अपन बात करेंगे। तो पहले तो जो अपन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो आप लोगों को खुद को विश्वास प्लस आत्मविश्वास होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। लाइफ में कोई भी टारगेट हो तो उसमें पहले आपको खुद का विश्वास होना चाहिए कि आप इसको पास कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं टारगेट को, ठीक है। तो आत्मविश्वास और विश्वास जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, अगर किसी भी टारगेट को अचीव करना है या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर होना है, ठीक है। तो ये है कि पहले अगर सीटेट के आप एग्ज़ाम तैयारी करें, पहले आप इसका मन बना लें कि ये तो आप इसको पास कर ही सकते हैं, और कॉन्फिडेंट रहें कि आप पास हो जाएंगे। पहले ये अपनी फर्स्ट जो कुंजी होती है कि यही होती है कि आपको ये विश्वास रखना है। अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट पूरे भारत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि एग्ज़ाम होता है। टीचिंग वैकेंसी के लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि जो आने वाली वैकेंसी होती है उसके लिए कंपलसरी होता है। तो ये सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जिसके पास होता है वो KVS NVS और जो भी गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स पहले इसके लिए तैयारी करें, पहले अपने दिमाग में बिठा लें कि इसको आपको पास करना है और आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक शिक्षक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, और जो भी आप बन पाते हैं आप उसका एक कुछ हिस्सा उसमें अपने शिक्षक का ही मानते हैं। कोई भी जो भी सफल इंसान होता है उसके जो पीछे किसी टीचर का हाथ होता है, ठीक है, तो टीचर की एक अहम भूमिका होती है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक समाज के सबसे सम्मानित लोगों में से एक है। कोई उनको भुला नहीं सकता। शिक्षक कई बार आपको भूल सकते हैं क्योंकि बहुत से विद्यार्थी को तैयार करते हैं, लेकिन उनका योगदान जो स्टूडेंट्स सीखते हैं से अपने टीचर्स को कभी नहीं भुला सकते। तो सीटेट क्या है ये, पहले आपको कि टीचर बनने के लिए आपको पहले अपने दिमाग में मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी कि आपके हाथ में कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर होता है, आप किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, उसी तरह से आप अपनी मेंटेलिटी बना के रखें ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देखना कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाता है, आपकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये जनरल नॉलेज एक जो आप अपनी लाइफ में उसको उतार लेंगे तो आपके क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, ठीक है। सीटेट क्या है, तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE के कार्यान्वयन के साथ विभिन्न स्कूलों में रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा सही और योग्य शिक्षकों की भर्ती की जा सके। ये सुनिश्चित करने के लिए कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी कि NCT ने ये नियम तय किए हैं कि केंद्रीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उम्मीदवार को सीटेट पास करना कंपलसरी है। इस परीक्षा का आयोजन करने के लिए जिम्मेदारी सीटेट सेंट्रल टीचर सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड यानी CBSE बोर्ड को जो दी गई है, साथ UPSC को भी, ये जो है UPSC के अंडर में भी आता है। शुरू क्यों की गई है, शिक्षक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षकों की भर्ती में गुणवत्ता और कौशल को सुनिश्चित करने के लिए। सेकंड, केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षकों और मानकों के सुधार के लिए सीटेट केंद्र सरकार के स्कूलों KVS तिब्बती स्कूल NVS यानी कि जो आपका नवोदय विद्यालय होते हैं आदि पर लागू होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अपने, उनके लिए स्कूलों में जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए अनधिकृत निजी स्कूल CTET के बारे में मतलब कि ये इसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम होता है इन सब टीचिंग वैकेंसीज के लिए होता है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले विद्यालय CTET के बारे में सोच सकते हैं यदि वे टेट की विकल्प नहीं लेते हैं। तो अगर किसी स्टेट में अगर टेट नहीं होता है, जैसे कि कई जगह अलग से जैसे केरला टेट होता है, MP टेट होता है, ये तो कई स्टेट्स अपने स्टेट लेवल के भी करवाते हैं। जिनमें नहीं होता है वो CTET के बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं।
सीटेट का पैटर्न क्या होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 150 ही इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पांच जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो पेपर फर्स्ट होता है सीटेट का, उसमें ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी आप देख लीजिए। इसमें हर कैटेगरी हर सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स का पेपर होता है। सिक्स टू एट्थ में आपके फोर जो टोटल फोर जो क्या होते हैं सेक्शन होते हैं, 150 मार्क्स का, 150 ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। सीटेट परीक्षा को पास करने का फॉर्मूला क्या है? अभी 2 दिन पहले सीटेट, जैसे कि मैंने बताया था, सीटेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसका एग्जाम जुलाई में होना है, यानी कि 7 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। अब ऐसे में अक्सर ये देखे जाते हैं, कुछ लोग तो पहले से टीचिंग प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें तो कॉन्फिडेंस होता है कि हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तुरंत ही तैयारी शुरू कर दे सोचते हैं करने की सोचते हैं, तो दिमाग में ख्याल आता है कि हम तो कोई कोचिंग ही ज्वाइन नहीं की है, तो हम कैसे सीटेट की तैयारी करें। दोस्तों, सफल होने के लिए आपको ये योजना बनानी होगी, क्योंकि उसी के अनुरूप तैयारी करनी होगी। आपके लिए बेहतर होगा कि इस परीक्षा में पूछे गए पूर्व प्रश्न पत्रों का एक जगह एकत्रित करें, यानी प्रीवियस पेपर्स का गहन अध्ययन करें, सिलेबस के कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ें। उसके अलावा आपको जो मतलब कि एक टीचर की तरह सोचना है आपको, जो आपकी मेंटेलिटी बनानी है आपको एक टीचर की तरह बनाने की, जो इसमें मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपका पैटर्न वही रहने वाला है। इससे आपको प्रश्नों के पैटर्न का सही पता चलेगा। इस संबंध में सफल स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर इस परीक्षा का पैटर्न पता चल जाता है, तो आपकी तैयारी औरों से बेहतर अच्छी हो सकती है। इसके अतिरिक्त खुद को आंकने का अवसर भी मिलता है। सिलेबस का करें अध्ययन, मैंने बोला आपको कि बेहतर तभी आपकी तैयारी बेहतर तभी हो सकती है, आपके प्लस पॉइंट्स, आप प्लस से प्लस पॉइंट्स ऐड करते रहिए। हर टॉपिक को इतना क्लियरली समझें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको अपनी जनरल लाइफ से ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट, अपन भी स्टूडेंट रहे हैं, तो अपन को उससे अपने आप से कनेक्ट करना है उस चीज़ को। टॉपिक्स ही इसमें ऐसे होते हैं कि अपन पर्सनल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर सकते हैं, तभी आप आंसर को अच्छे से समझ पाएंगे। जो सबसे कमज़ोर पक्ष है उसकी अच्छे से तैयारी करें। इस परीक्षा में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न भी काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक सीटेट का पूरा जो एनालिसिस दिया था, सीटेट आंसर की अपनी जो मैंने एनालिसिस करी थी, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे आप लोगों को, उसमें भी मैंने बताया था। तो वो एक जनरल नॉलेज की टाइप है, मतलब कि जनरल लाइफ जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसको किस तरह से अपन बेटर बना सकते हैं, तो यही एक टीचर की भूमिका होती है जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इस सेक्शन से डरते हैं, विशेषज्ञ के अनुसार इसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीचर की मानसिकता लेकर इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। मैंने कहा ना कि टीचर, अगर एक टीचर बनके आप इन प्रश्नों के हल ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक माह पूर्व तैयारी, अगर एक एग्जाम के मान लो 1 महीने पहले आपने तैयारी करना स्टार्ट करी, परीक्षा के 1 माह पूर्व आप सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस पर ध्यान दें। पहले जैसे कि अभी तो जुलाई में होगा, तो आपके पास 5 महीने हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप पूरा रिवीजन का पूरा पहले पूरे सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स कवर करें। उसके बाद 1 महीने पहले आपको सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। कई भी जो यूट्यूब पे भी अपनी क्लासेस चलती है उनकी हेल्प लें, और ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आप ऑफलाइन जो बुक्स हैं, बेटर बुक्स हैं, उनकी तैयारी करें। अगर घर में इंटरनेट नहीं, तो आप बहुत सारी बाहर की पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। इसकी सहायता से आप तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा के 10 दिन पहले घर पर परीक्षा का माहौल बनाकर अभ्यास करें। 10 दिन पहले सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना है। टाइम ड्यूरेशन का, टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं अपन, तो आप उस एक पेपर लेके बैठ गए, माने कि वो अपना जो टाइम ड्यूरेशन है 1/5, अपना जो टाइम ड्यूरेशन वो 60 मिनट का मान लो आप, या फिर 90 मिनट का आपका पेपर है, ठीक है, तो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको पेपर सोल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से आपको तैयारी करनी है और अपना दिमाग बना लेना है कि आपको टीचर बनना है, तो आप उसकी उसी तरह से सोचें, उसी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो ये था पूरा अपना आज का सेशन। आपको पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। कमेंट्स के जरिए मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और EDHM Live Class को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।